मई 2019 में टाइम मैगजीन में पत्रकार आतिश तस्वीर का एक आर्टिकल छपा। इसमें उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की आलोचना की थी। ये आर्टिकल भारत में आम चुनावों के वक्त छपा था। मैगजीन की कवर पे ली गई इस खबर का हेडलाइन थी, इंडियाज डिवाइडर इन चीफ। 6 महीने बाद तस्वीर का ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया OCI रद्द कर दी गई। तस्वीर को लगता है कि ऐसा उस आर्टिकल के कारण किया गया है। ये सिटीजनशिप खत्म होने के बाद उन्हें भारत में कदम रखने की इजाजत नहीं होगी। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए तस्वीर ने टाइम मैगजीन में एक और आर्टिकल लिखा है, मैंने सोचा था बदला लिया जाएगा, क्या पता था नाता ही तोड़ देंगे। अगले साल मेरी दादी 90 साल और मेरी माँ 70 साल की हो रही है। सरकार ने मुझे मेरा देश और परिवार से ही जुदा कर दिया। तस्वीर के खिलाफ आरोप। सितंबर 2019 में तस्वीर को गृह मंत्रालय से एक चिट्ठी मिली जिसमें उनका OCI स्टेटस रद्द करने की जानकारी थी। तस्वीर कहते हैं, मेरे पास इस फैसले के जवाब देने के लिए 21 दिन का समय था, पर मुझे ये चिट्ठी 20वें दिन मिली। तस्वीर ने इस चिट्ठी का जवाब तो दिया, लेकिन 7 नवंबर को सरकार ने उनका OCI स्टेटस रद्द करने की ऐलान कर दिया। सरकार ने अपने फैसले के पीछे कारण बताया कि तस्वीर ने अपने स्वर्गीय पिता का पाकिस्तानी मूल के होने की जानकारी छुपाई थी। तस्वीर के माँ बाप कौन है? आतिश तस्वीर के पिता दिवंगत पाकिस्तानी पॉलिटिशियन सलमान तस्वीर और माँ इंडियन कॉलमनिस्ट तवलीन सिंह है। अपने पिता के साथ जटिल संबंधों के बारे में बात करते हुए आतिश ने लिखा, मैं 21 साल की उम्र तक अपने पिता का कांटेक्ट में नहीं था। मैं ब्रिटेन में पैदा हुआ, मेरे पास वहीं की नागरिकता भी है, लेकिन 2 साल की उम्र से अपने माँ के साथ भारत में रहा हूँ। माँ ने अकेले मुझे दिल्ली में पाला और हरदम मेरे साथ रही, इसीलिए मुझे हमेशा भारत में भारतीय की तरह देखा गया और मुझे OCI दिया गया। BJP मुझे पाकिस्तानी कहती है, लेकिन भारत मेरा मुल्क है, आतिश तस्वीर ने कहा। आतिश तस्वीर उस दिन को याद करके कहते हैं कि जैसे ही मोदी पर उनका आर्टिकल पब्लिश हुआ, BJP प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ऐलान किया कि टाइम के ये स्टोरी एक पाकिस्तानी ने लिखी है और एक पाकिस्तानी से इससे ज्यादा क्या उम्मीद की जा सकती है। लेकिन तस्वीर इस बात को खारिज करते हैं। उनका कहना है, भारत मेरा देश है, मेरा रिश्ता किसी बिना लिखी संविधान की तरह सहज और घनिष्ठ है। इस रिश्ते को इससे पहले मैं कभी भी साफ करने की कोशिश नहीं की। मैं कह सकता था कि मैं भारतीय था क्योंकि मैं भारत में पला बढ़ा, यहाँ के त्योहार और भाषा को जानता हूँ, क्योंकि मेरी सभी 5 किताबें भारत के बारे में ही थी। हालांकि मैं जन्म से एक ब्रिटिश नागरिक हूँ, OCI भारत से मेरे रिश्तों को और मजबूत बना रहे थे, वैसे ही जैसे दुनिया भर में रह रहे दूसरे भारतीय मूल के लोग हैं। तासिर का तर्क ये है कि पिछले कई सालों में उनका लीगल स्टेटस पे एक भी सवाल नहीं उठाया गया या कभी भी सरकार ने इस बात पे चुनौती नहीं दी, लेकिन सितंबर 2019 में ये पहली बार हुआ। क्या आतिश तस्वीर की OCI स्टेटस को रद्द कर मोदी सरकार बदला ले रही है? क्या ये इसलिए गया क्योंकि आतिश ने इंडियाज डिवाइडर इन चीफ लिखा? कांग्रेस ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया, आलोचना करने वालों की या तो जासूसी हो रही है या उन्हें परेशान किया जा रहा है, क्योंकि तानाशाही का दूसरा नाम अमित शाह है। शशि थरूर ने भी पूछा है, क्या हमारी सरकार इतनी कमजोर है कि वो एक पत्रकार से डरने लगी है? आतिश की मां तवलीन सिंह ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा, आज तक मेरी नागरिकता पर कभी सवाल नहीं उठा, इस आर्टिकल के लिखने तक कभी उसके भारत में रहने को लेकर भी कोई सवाल नहीं उठा, ये आर्टिकल गृह मंत्री को पसंद नहीं आया। हालांकि इन आरोपों पर गृह मंत्रालय ने साफ कहा है कि OCI रद्द करने का उस आर्टिकल से कोई संबंध नहीं है।